एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस साल का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को देखने वाले हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर आती है, इंडिया की परफॉर्मेंस इस बार कैसी रही, सारे पैरामीटर्स को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, 1.5x एक्सटेंशन बोनांजा ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ फ्री मिलेंगे। ऐसे 18 मंथ के लिए भी है, 24 मंथ के लिए भी है, एंड इट विल एंड ऑन जून 24th। तो यूज करिएगा कोड AMS लाइफ इसके अंदर एनरोल करने के लिए। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फुली पेड वीपी मिलेगा मेंस के लिए। मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलेगी, एंड अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी मार्गदर्शक आपके सामने आ गया है, आप इसमें भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड कोड का आपको सेम का ही यूज करना है, AMS लाइव। यहाँ पर अगर कोड का यूज करोगे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बैचेज न्यू स्टार्ट हो रहे हैं इनके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड AMS लाइव। ऑप्शनल की तैयारी अपन अकेडमी के साथ कर सकते हैं एंड वेरियस कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। अब देखो, रिसेंटली 17th एडिशन आया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। इसको सबसे पहले तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कौन रिलीज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बारी यूपीएससी पूछ चुका है, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड इसके अंदर जेंडर पैरिटी ओवरऑल हमें कैसी देखने को मिल रही है, 146 कंट्रीज के अंदर ये देखा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर पैरिटी के बारे में ये देखता है, एंड कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर ये उसको जज करता है, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को कितनी मिल रही है, मेल को कितनी मिल रही है, ऐसे एजुकेशनल अटेनमेंट देखता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल देखता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखता है, एंड ऑन ईच ऑफ द 4 सब इंडाइसेस एज वेल एज ऑन द ओवरऑल इंडेक्स, ये जो GCG इंडेक्स होता है ये स्कोर प्रोवाइड करता है 0 से 1 के बीच तक का, जहां पर 1 शो करता है कि फुल जेंडर पैरिटी है एंड 0 ये बताता है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है, मतलब अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम महिलाओं और पुरुषों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को नहीं मिल पाती। तो 1 और 0, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर दिया जाता है। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है ये, बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, एंड इसके थ्रू बहुत सारी और रिपोर्ट्स फर्दर हमें आती हुई नजर आती है। मेन यही है कि हम इस गैप को कहीं ना कहीं ब्रिज इन कर सके। अगर हमें दिख रहा है कि कहीं पर महिला और पुरुष दोनों को कहीं ना कहीं सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो हम उनको दे पाए, जज कर पाए कि कहाँ पर क्या कमी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के बेसिस पर हो, एजुकेशन के बेसिस पर हो, इकोनॉमी के बेसिस पर हो या फिर पॉलिटिक्स के बेसिस पर। तो इसी के बारे में ये पूरा स्कोर बात करता है। अब ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 2023 को अगर हम देखते हैं तो 68.4% हमें देखने को मिला है ओवरऑल इन सब कंट्रीज का। अगर हम देखें कंपेयर टू द प्रीवियस वन, 0.3% ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। एट द करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस ऐसा माना जा रहा है कि 131 ईयर्स और लग जाएंगे जब हमें फाइनली देखने को मिलेगा कि हाँ, जेंडर पैरिटी है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, अपॉर्चुनिटी के मामले में, महिला एज वेल एज पुरुष दोनों ही कहीं ना कहीं साथ में, एक साथ दोनों को हर चीज प्रोवाइड हो रही है। अब देखो, अगर हम बात करें कौन आगे निकल के आया है पूरी रैंकिंग में, तो आइसलैंड हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन। सबसे ज्यादा जेंडर पैरिटी या फिर जेंडर इक्वल कंट्री हमें वो देखने को मिलती है। 14th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए जेंडर गैप का स्कोर 91.2% है, और ऑल्सो इकलौती कहीं ना कहीं ऐसी कंट्री है जहां पर 90 कुछ कहीं ना कहीं हमें स्कोर दिखता हुआ दिख रहा है। अब देखो, 3 अदर नॉर्डिक कंट्रीज जो कि इसमें आगे हैं वो है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, एंड फिर हमें आइसलैंड तो है ही सबसे ऊपर, ये हमें देखने को मिलता है। जेंडर गैप हेल्थ एंड सर्वाइवल की अगर हम बात करें 96% ग्लोबली पहुंच गया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है। जेंडर गैप एजुकेशनल अटेनमेंट हैज क्लोज्ड बाय 95.2%, एंड हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिली है। अगर हम 2006 से 2023 के पीरियड के बीच में देखते हैं तो हमें एक सक्सेसिव प्रोग्रेस देखने को मिली है। जेंडर गैप इन एजुकेशनल अटेनमेंट बताया जा रहा है इज प्रोजेक्टेड टू क्लोज इन 16 इयर्स।
एंड जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी हम ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे वो प्रेजेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। जो चैलेंजेस हैं उनको देखा जा रहा है, उनके लिए सरकार काम भी कर रही है, बहुत सारे स्टेप्स लेकर आ रही है, बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये है जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इज प्रोजेक्टेड टू क्लोज इन 169 ईयर्स। तो देखो इस रिपोर्ट के साथ ये भी बताया जाता है कि हाँ इतने साल लग जाएंगे हमें ये पर्टिकुलर स्टेज को अचीव करने में, या फिर इतना जेंडर गैप को कहीं ना कहीं ब्रिज इन करने में। तो पूरा ये रिपोर्ट में सामने आता है। अब देखो इंडिया की रैंक की जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने एक प्रोग्रेस दिखाई है। 135th रैंक में थे हम, अगर हम 2022 की बात करते हैं, अभी हम 127th रैंक में आ गए हैं आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। एंड इंडिया के जो नेबर, जो पाकिस्तान हो गए हमारे प्रिय नेबर जो है, वो है 142nd रैंक पर, बांग्लादेश है 59 रैंक पर, चाइना है 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115, भूटान 103। कंट्री हैज इम्प्रूव्ड बाय 1.4 परसेंटेज पॉइंट एंड 8 पोजीशन सिंस द लास्ट एडिशन। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। एंड इंडिया हैड क्लोज्ड 64.3% ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जो जेंडर गैप है उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जितनी मेल्स के पास है, उनको भी हेल्थ के मामले में आगे लाने की कोशिश करी जा रही है, एजुकेशन के मामले में कोशिश करी जा रही है, रिसोर्सेज के मामले में कोशिश करी जा रही है कि उनको अवेलेबल। तो ये ओवरऑल इंडिया की रैंक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, आपको लाइक का बटन मिल जाएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए बाय बाय, टेक केयर।